नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका यूज़ करके आप अपनी वीडियो को स्प्लिट कर सकते हैं या फिर ज्वाइन कर सकते हैं। दो अलग अलग आपको मैं सॉफ्टवेयर के नाम बताऊंगा, ये हैं वो दोनों सॉफ्टवेयर। एक्चुअली ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूट्यूब चैनल पर कुछ अपनी वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो आप वीडियो को स्प्लिट कर सकते हैं इसका यूज़ करके। काफ़ी लाइट वेटेड ये सॉफ्टवेयर है और इसका सीरियल की भी मेरे पास है, जिसको यूज़ करके आप इसको लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात की, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालते, अगर आप अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए भी वीडियोज वगैरह डालते हैं, आप ही वीडियो चाहते हैं कि दो चार वीडियो को मर्ज करके एक प्रॉपर वीडियो बना लें, तो भी इसका आप यूज़ कर सकते, ज्वाइनर का यूज़ करके उस तरह की वीडियो बना सकते हैं। या फिर आपके पास कोई बड़ी वीडियो, उसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं, तो इसका यूज़ करके स्प्लिट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी यूज़फुल है दोनों के लिए, जो यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड करते हैं उनके लिए भी, या फिर कोई भी जनरल इंसान है जो कि अपनी किसी भी वीडियो को स्प्लिट करना चाहता है या फिर मर्ज करना चाहता है, तो इसका यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं सॉफ्टवेयर, उसका ये सीरियल की के साथ मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पूरी पूरी तरह से मतलब रजिस्टर्ड है सीरियल की, जो काम करेगा आपका लाइफ लॉन्ग, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ भी ऐसा नहीं कि 6 महीने के लिए फिर 10 दिन के लिए ही आप वैलिड है, ये आप इसको लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम पहले स्प्लिटर को यूज़ करके देखेंगे कैसे है। इसको डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करते हैं, यस करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट, फाइनली नेक्स्ट। डेस्कटॉप पे आइकॉन बनाना हो तो कर सकते हैं उसको आप चेक, नहीं तो नेक्स्ट कर दीजिए और ये फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत आसानी से जल्दी इंस्टॉल होगा। इसको लॉन्च करना है, चलो लॉन्च कर लेते हैं। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, वीडियो स्प्लिटर। ठीक है, अभी क्या है कि मैं ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर चुका था, एक्टिवेट कर चुका था, इसलिए मुझे यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए फिर से इसको अनइंस्टॉल करके मैंने इंस्टॉल किया है। ऑलरेडी ये जो की है इसका मैं यूज़ कर लिया हूँ, तो ये यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन नहीं आता। यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा आपको, बाई का और रजिस्टर का। ठीक है, तो आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा और सीरियल नंबर में दो चीज़ें मिलेंगी। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे आपको पॉपअप खुल के आएगा, जिसमें कि नाम और की मांगेगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आई थिंक ये स्प्लिटर है ना, स्प्लिटर का ये है, ये नाम इस तरह का पॉपअप खुल के आएगा, तो उसमें दो चीज़ें मांगेगा, नेम और कोड। तो नेम में इसको उठा के कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा और कोड में इसको उठा के पेस्ट कर दीजिएगा, तो आपका वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको कोई भी वीडियो को कट करना है तो बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, बस जाके आपको यहाँ से अपने वीडियोस को उठाना है, जो भी वीडियो आप चाहें अपने ले सकते हैं। इसमें कुछ फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता, आई थिंक MP4 सपोर्ट नहीं करता है, MP4 सपोर्ट नहीं करता, WMV वगैरह फॉर्मेट सपोर्ट करता है, बहुत सारे करते हैं, एक MP4 मेरे को नहीं किया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे अपनी वीडियो को, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो स्प्लिट टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दो इसको, बिल्कुल हाफ हाफ वो नहीं करना है। अगर आप हाफ हाफ करना चाहें तो हाफ हाफ कर सकते हैं, नहीं तो भाई सिलेक्शन कहाँ से कहाँ तक करना है, तो इसके लिए आपको ये सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आप टाइम दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ड्रैग करके इस तरह कहाँ से कहाँ तक आपको करना है वो आप ड्रैग करके ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये स्टार्टिंग से नहीं करके मैं यहाँ से कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे करना तो यहाँ पे आइए और ये वाला जो बटन है इसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो अभी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका सिलेक्ट हो गया, 6 सेकंड्स के बाद 6.118 सेकंड पे स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद इसको ड्रैग करके जहाँ तक भी आपको करना है यहाँ तक, या फिर प्ले करके देख सकते हैं, प्ले करके यहाँ तक, सपोज कि ये डक जो है कोई बर्ड है, यहाँ तक आने के बाद इसको आप पॉज कर दीजिए, ये वाला जो है यहाँ पे आके इसको ये कर दिए, तो फाइनली आपका 6 सेकंड से लेके 18 सेकंड की वीडियो जो है वो कट हो जाएगी, इतना आपका सिलेक्टेड एरिया हो जाएगा। और स्प्लिट नाउ पे करेंगे, स्प्लिट नाउ पे करने के बाद ये दो ऑप्शन है, मैं ये रिकमेंडेड जो है ये किसी भी फॉर्मेट में आपको ये चल जाएगा, ये सारे फॉर्मेट में इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये रिकमेंडेड है, इसी को आप यूज़ कीजिएगा और ओके कर दीजिए। इसे ओके करेंगे, डेस्टिनेशन पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो आप इसको वहीं पर सेव करें, जहाँ भी आपको सेव करना आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। बस 2 मिनट भी नहीं लगता सेव होने में, कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं है, बहुत इजी प्रोसेसिंग है, आसानी से सेव कर सकते हैं इसको। उसके बाद इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए, ओपन करके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी आपने काटा था 6 सेकंड से लेके 18 सेकंड की वीडियो आपकी कट के यहाँ पे रेडी हो चुकी है और इसको आप आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने काटा था, ये डक वाला जो था वहाँ तक हम लोगों ने इसको काटा था, ये वाला सॉरी हाँ। तो ये हो गया आपका वीडियो का स्प्लिटर, जो हाँ ये स्प्लिटर हो गया। अब मैं इंस्टॉल करूँगा आपको ज्वाइनर को, यानी कि स्प्लिटर हो गया कि आपको एक वीडियो को दो तीन भाग में डिवाइड करना है तो आप कर सकते हैं।
किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कहीं से एंड से लेके दूसरे एंड तक का वीडियो ही निकालना है तो वो आप कर सकते हैं स्प्लिटर से लेके। अब ज्वाइनर को इंस्टॉल करते हैं, ज्वाइनर पे डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे एग्रीमेंट को, नेक्स्ट, फाइनली। अगर आप चाहें तो इसका पाथ चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, बाई डिफॉल्ट सी में जाता है, आप कुछ नाम देना चाहते हो नाम चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट कर ले, इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप आइकॉन नहीं चाहिए, नेक्स्ट कीजिए, फाइनली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसको लॉन्च कर लेते हैं, ये हमारा ज्वाइनर हो गया, ये दो तीन वीडियो को ज्वाइन करेगा एक साथ। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर का ऑप्शन, जिस तरह के ये रजिस्टर का ऑप्शन बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है ना, उसी तरह आपको स्प्लिटर में रजिस्टर और बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, और इस तरह का जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पॉपअप खुल के आएगा। तो आप ये हमारा ज्वाइनर है, तो ज्वाइनर में जाएंगे, इसके कोड को उठाएंगे, इस तरह से कॉपी करेंगे और इस पर पेस्ट कर देंगे, और इसके कोड को उठाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से मतलब कि स्पेस नहीं आए, उसके बाद इसमें ला के पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए ये प्लीज़ रिस्टार्ट वीडियो ज्वाइनर टू वैलिडेट द कोड, अभी जब मैं रिस्टार्ट करूँगा अगर ये वैलिड हुआ तो ये रजिस्टर का बाय नाउ का बटन हट जाएगा, ओके कर देते हैं इसको, इसको बंद कर देते हैं, और ये ज्वाइनर है ना, बॉइलसॉफ्ट ज्वाइनर, ज्वाइनर को खोलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर हो गया, अभी ये लाइफ लॉन्ग इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है कि ज्वाइन करना है, तो जाहिर सी बात है कि दो तीन चार वीडियोस आपको ज्वाइन करने होंगे, तो आप यहाँ से ऐड फाइल पे जाके सेलेक्ट कर लीजिए उसको, तो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं फाइल्स को, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, एक साथ में रिमूव ऑल का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो सारे रिमूव हो जाएंगे, और मर्ज जब फाइनली आप तीन चार फाइलें ऐड कर देंगे तो आप फाइनली मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज करके आपको एक वीडियो दे देगा। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ इसका, ऐड फाइल पे जाते हैं, यहाँ पे गए वीडियोस में गए, सपोज़ कि मैं ये वाली वीडियो और ये वाली वीडियो, ये दोनों वीडियो मर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो एक MP4 है और एक WMV है, और यहाँ पे मर्ज पे ये करते हैं, तो ये मर्ज में एक ऑलरेडी ये हो चुका है, डिसेबल्ड हो गया है, इनकोडेड मोड में, री इनकोड मोड में इसको आप ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे तो ये बोले कौन सा फॉर्मेट चाहिए आपको, तो आप जो भी आपको फॉर्मेट लगता है, ये 64 KBS का जो है ये सही है, यहाँ से फॉर्मेट उठा सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको करना है, जो भी आपको फॉर्मेट सही लगता है उसमें आप कर सकते हैं, जो भी 3GB मोबाइल वगैरह के लिए होता है, या फिर किसी आप WMV में भी कर सकते हैं, MP4 में भी कर सकते हैं, जो भी है आप चाहते हैं MP3 में करें तो MP3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए उसको और इसको ओके दबा दीजिए। तो ये पूछ रहा है कहाँ पे सबको सेव करना है इसको, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर लोकेशन दे दीजिए कि यहाँ पे सेव करना हो, और ये कुछ नाम होगा यहाँ पे, ज्वाइनर डेमो, मैंने एक नाम दे दिया इसका, सेव कर दिया इसको। ये थोड़ा टाइम लेगा, 2-4 सेकेंड लेगा, जो फाइल की लेंथ के हिसाब से है, जितना भी बड़ा फाइल का लेंथ होगा उस हिसाब से थोड़ा टाइम लेगा, और फाइनली आपकी जो वीडियो ये रेडी करके दे देगा। जब जब ये रेडी हो जाएगा तो आप उस जहाँ पे भी आपने इसको सेव किया है उस लोकेशन पे जाके इसको आप खोल सकते हैं। तो अभी ये हो रहा है, इसमें यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक ऑप्शन दे देगा ओपन फोल्डर का, जहाँ भी आपने इसको स्टोर किया वो यहीं से आप खोल सकते हैं, यहीं से आप इसको प्ले भी कर सकते हैं, और डिलीट सोर्स मतलब कि जहाँ से आपने फाइल इंपोर्ट की थी वो फाइल का सोर्स भी आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये तीनों बटन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वीडियो ज्वाइनर का कॉन्सेप्ट। अब ये होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो वीडियो ज्वाइन होके आया है वो कैसा दिख रहा है, MP4 में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा डेमो में, ठीक है। अभी ये हो चुका है फिनिश्ड, यहाँ पे आ गया मैसेज, ओपन फोल्डर कर लीजिए जहाँ पे भी ये इसने डेमो जो मैंने दिया था, ये रहा ज्वाइनर डेमो का, इसको भी प्ले कर लेते हैं। तो ये पहले तो ये ज्वाइन कर रहा है इसको, उसके बाद जो हम लोगों ने कट किया था, ये वाला पार्ट हम लोगों ने कट किया था, वो भी यहाँ पे ज्वाइन करके एक पर्टिकुलर वीडियो में इसने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये काफ़ी काफ़ी मतलब छोटा सॉफ्टवेयर है, देख सकते हैं इसका साइज़ 11, मतलब कि ये लगभग 11 MB का साइज़ है इसका, 10 MB का है, और ये भी लगभग उतना ही का है, ये उससे भी कम, हाँ 10.5 MB का है, काफ़ी छोटा फाइल है, बहुत ही यूज़फुल है सॉफ्टवेयर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने गूगल ड्राइव का, वहाँ से जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम आए की में तो आप बताइएगा मुझे, मैं आपको इसका जो दूसरा की है वो प्रोवाइड करा दूंगा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों जो वीडियोज़ हैं आपको, ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं आपको पसंद आए होंगे, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारी इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा किसी तरह कोई दिक्कत हो तो, और
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी नया चैनल खुला हुआ है और थोड़े सब्सक्राइबर की ज़रूरत है ताकि मुझे भी काम करने में मज़ा आएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।